Akhil, who's captaining Telugu Warriors. Sachin Joshi, who's the owner of Telugu Warriors. Manoj Tiwari, who's the captain of Bhojpuri Dabangs. David Johnson, who's the match referee and one of the legends of Indian cricket, Mr. Dilip Vensaka. It's a privilege to have all of you here. And I request David to please spin the coin, please. It's Akhil's call. Akhil, you have won the toss. And whatever you decided first. We're going to have a bowl first today. Last match, if you see, you played some exceptional cricket. Especially Sachin, the form he's in. Bowled pretty well, batted pretty well. So that's a big plus for you. Yes, he played very well and the team is with a lot of confidence. So we're backing ourselves and we're going to bowl first. But you're playing Bhojpuri Dabangs in their own den in front of so many people. It's a capacity crowd here. What's the feeling? Feeling is great. I know they're all behind Manoj sir. So we're going to give them a tough fight, but it'll be a great match. And just mentioning about this wicket, it looks to be a very good one because the way Mumbai Heroes chased that score of 190 looks to be a very good surface. The outfield is also very fast. It's going to be a high scoring game. But I feel the dew might set in a little later. But the outfield is fast, so it's going to be a high scoring game no matter what. And Akhil, some changes in the team from the last game? Yes, we have two changes. In place of Sudhir, Samrat is in, and in place of Sushant, Nikhil is in this game. All the best. मनोज जी आप टॉस तो नहीं जीते पर आप सबका दिल हमेशा जीत लेते हैं आप आपके जो कर्तव्य हैं जो आपकी टीम के जो परफॉर्मेंस है हमेशा बहुत बढ़िया रहते हैं पर पिछला मुकाबला आप बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाए तो आज किस प्रकार की रणनीति रहेगी सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी हमारे रांची में सारे हीरोज सारे सुपरस्टार्स जो आए हैं वो लोग बहुत खुश हैं इसमें हमारी खुशी है हम जरूर टॉस नहीं जीत पाए लेकिन हम टॉस जीतते तो भी बैटिंग ही करते जी हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही पर कहीं ना कहीं अगर अपनी टीम की बात करें आपकी टीम की ताकत क्या है हमारी टीम दिल से खेलती है और हार जीत सब में उसका टेम्परामेंट बिल्कुल एक बराबर है हम लोग बहुत खुश हैं कि आज स्टेडियम में हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ सोहेल भाई सुनील शेट्टी जी बॉबी देवल इन लोगों के साथ साथ दिलीप वेंगसरकर जी आए हैं हमारा ये झारखंड बिहार पूरा उत्तर प्रदेश बिहार क्रिकेट का बहुत दीवाना है दिलीप वेंगसरकर साहब का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं रांची में बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही पर कुल मिला के ये जो माहौल है मैं इसे देख के बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपका क्या कहने हैं अजय जी आप बस यूं ही आते रहिए हम आपके लिए पलकें बिछाते रहेंगे और झारखंड वही मैं कह रहा हूं इनको कुछ कहना चाहते हैं आप ये जो तमाम लोग आए हैं क्योंकि जब से आप आए हैं इनका जो माहौल है जो इनकी ऊर्जा है वो सातवें आसमान में पहुंच गई है अभी ये लोग थोड़ी देर में डांस करेंगे गाना गाएंगे और हम सभी मिल करके उनको इंटरटेन करेंगे लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस CCL सीजन 5 का एक उद्देश्य है हमने अभी अपने विष्णु को हमने वेलकम किया यहाँ पे आप विष्णु को जरूर बात कराइएगा मिलवाइएगा यहाँ के लोगों के जो CCL के चीफ हैं हम जो इस CCL सीजन 5 से आय होने वाली है उससे 100 ऐसे बच्चों के हृदय रोगियों का जो जन्मजात हृदय रोगी होते हैं उनका इलाज कराने वाले हैं इसीलिए रांची के लोग इतनी संख्या में आए हुए हैं बहुत ही बढ़िया पहल है और जाते जाते शुभकामनाएं आज के मुकाबले के लिए हो जी हो बिहार कलाला अरे जी हो रांची के नौजवान उधर देखिए हमारे मुंबई हीरोज का सब लोग स्वागत कर रहे हैं और हम सभी लोग दुआ करते हैं क्रिकेट भी हो चैरिटी भी हो और रांची में ऐसे इंटरटेनमेंट होते रहे इस जेएससी स्टेडियम को और अपने अमिताभ चौधरी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मजा है आपसे बात करके अजय भाई अभी तो शुरू हो रहा है